में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया है, लेकिन सरकार के इस फैसले का विरोध अब सहरसा कोचिंग एसोसिएशन के खुलकर कर रहे हैं। सभी कोचिंग के संचालकों ने मीटिंग कर सरकार से कोचिंग संचालन करने की अनुमति मांगी है। संचालकों का कहना है कि कोरोना के कारण शिक्षण संस्थान बंद किए गए हैं, जिससे लोगों को आर्थिक क्षति हो रही है। सहरसा कोचिंग यूनियन, सहरसा कोचिंग यूनियन, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, अगर अगर सरकारी फॉर्म चलेगा हमारा। मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र स्थित सुजालपुर में इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्कूल के तत्वाधान में विद्यालय के संचालकों की एक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान संचालकों ने राज्य सरकार के स्कूल बंदी के निर्णय का विरोध करते हुए कहा कि सरकार कोरोना का भय दिखाकर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। सहरसा जिले के चंदौर पश्चिमी पंचायत में स्थित समदा गांव में शॉर्ट सर्किट के कारण एक घर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और 10 घरों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें 5 मवेशी बुरी तरह से झुलस गए। वहीं देर से पहुंचे दमकल कर्मियों को ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ा। आग लगने से लाखों की संपत्ति के नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। परिवार का घर, मवेशी और उनका सारा सामान जल गया है, यह हम लोग को सूचना मिली है। और प्लॉट को जो हम लोग देखे हैं तो 4 परिवार इससे प्रभावित है। जो ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और इसी कारण मतलब